हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1920। सो आज हम बात करेंगे प्री बोर्ड्स को लेकर कुछ टिप्स, क्योंकि प्री बोर्ड्स आपके एग्जाम्स मोस्ट प्रोबली दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे और नवंबर अब आपके पास लगभग 10 डेज जा चुके हैं, ठीक है। तो हार्डली आपके पास 20 या 25 डेज का टाइम है जिसमें आपको अपने प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स को बहुत लाइटली भी आपने नहीं लेना है और प्री बोर्ड्स के चक्कर में अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को भी अफेक्ट नहीं करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप कहेंगे ये तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपने अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को प्रायोरिटी देनी है। बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी ज़्यादा ज़रूरी है बजाय के प्री बोर्ड से, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल वगैरह के मार्क्स हैं वो सब आपके प्री बोर्ड्स के बेस पर होते हैं। तो आपने प्री बोर्ड की प्रिपरेशन को किस तरह से मैनेज करना है कि आपके बोर्ड्स को भी अफेक्ट ना करें, तो आप क्या करें, पहले वो चैप्टर्स प्रिपेयर करें कि जिन चैप्टर पर आपका कमांड है। क्योंकि अगर जैसे हम मैथ्स की ही बात करते हैं तो मैथ्स में हमारे 13 चैप्टर हैं, तो उसमें से 4 और 5 चैप्टर ऐसे लीजिए कि जो स्कोरिंग चैप्टर भी हैं और जिसमें टाइम भी कम कंज्यूम होता है, लेकिन जिस चैप्टर को भी आप प्रिपेयर करें, चाहे वो मैथ्स है या वो केमिस्ट्री है या वो फिजिक्स है, जिस चैप्टर को भी आप प्रिपेयर करें उसको बिल्कुल ऐसा प्रिपेयर करें कि आपने उसको बोर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया है, ठीक है। जो चैप्टर आपको अभी टिपिकल लग रहा है, जो पोर्शन आपको टफ लगता है कि इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उन चैप्टर्स को आप प्री बोर्ड्स के बाद के लिए रख दीजिए। अगर किसी चैप्टर को आपने टच किया है तो उसको आप कंप्लीट करें, और अगर आपने कोई चैप्टर नहीं किया है तो उसको आप बिल्कुल टच नहीं करिए, क्योंकि अभी आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप उस चैप्टर के चक्कर में अपने बाकी चैप्टर्स को भी रिवाइज ना करें, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि जो चैप्टर्स कम से कम आपने 60% सिलेबस अभी तक आपने कवर कर दिया होगा, अगर नहीं भी किया है तो अभी आपके पास डेज हैं, 25 डेज के आसपास हैं, तो आप अपने चैप्टर कवर कर सकते हैं। और खासकर मैथ्स के लिए तो हमने आपका डे वाइज चैप्टर्स कर दिए हैं, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक कल तक आपके 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे, जिसमें एक लीनियर प्रोग्रामिंग हमने फर्स्ट सबसे पहले लिया है, 4 to 6 मार्क्स का चैप्टर है आपका। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी को कंसिडर किया है, प्रोबेबिलिटी भी आपका 8 to 10 मार्क्स का चैप्टर है। तो आपके 6 डेज में तो ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। विद इन 1 मंथ हमारी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, लगभग हाफ से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डे 60 वाला देखेंगे, एक अपलोड किया है हमने वीडियो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं तो विद इन 1 मंथ आपकी लगभग मैंने समझती कि आधे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी टाइप से आप अपना फिक्स कर दीजिए शेड्यूल कि मुझे इतने दिन में इतने चैप्टर फिनिश करने हैं, ठीक है। जब आप अपने प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे तो प्री बोर्ड से आपको आइडिया लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है कि जिन चैप्टर्स को भी आप पकड़ें, एक तो वो चैप्टर्स लें कि जिसमें आपका टाइम कम कंज्यूम हो और जो स्कोरिंग चैप्टर हो, उन चैप्टर्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, सपोज आपका 80 का मार्क्स है, जैसे 80 मार्क्स का पेपर है मैथ्स का, और उसमें से अगर आप 50 क्रॉस भी ले आते हैं इन प्री बोर्ड्स में, जिसमें से आपने कुछ चैप्टर्स अभी बोर्ड्स के लिए भी बचाए हैं, उनको आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बिल्डअप होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने का मतलब है कि हम थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड्स में। लेकिन अगर सपोज हम प्री बोर्ड्स में ही अच्छा नहीं करेंगे स्कोर, तो हमारा थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे भी अफेक्ट हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने भी चैप्टर्स आप करें, चाहे वो फिजिक्स के हैं या वो केमिस्ट्री के हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिए। सारे 100% के चक्कर में ना करके आप अपना भले ही 60% प्रिपेयर करें, लेकिन उसको ऐसा प्रिपेयर करें कि उसको दोबारा आपको केवल बस एग्जाम से पहले रिवाइज करने की ही जरूरत पड़े, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।